नमस्कार, खबरों के बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरणजीत सिंह। पहला पेश ने चुनवियां खबरां। केंद्र सरकार ने सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं जून जुलाई दौरान मुकम्मल कोरोना टीकाकरण लई हर घर दस्तक मुहिम चलाउण लई आख्या। मुख चोण कमिश्नर ते चोण कमिश्नर ने स्वै इच्छा नाल उन्हां नूं मिलण वालियां सहूलतां ते भत्तियां विच कटौती करन दा कीता फैसला। जम्मू कश्मीर विच हदबंदी कमिशन तुरंत प्रभाव नाल लागू, नोटिफिकेशन जारी। पंजाब दे 10 मैरिटोरियस स्कूलों विच 9वीं 11वीं ते 12वीं जमातों विच साल 2022-23 सैशन दे दाखले लई मुकाबला परीक्षा 29 मई नूं। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी के मैंबर ते सीनियर मीत प्रधान जथेदार तोता सिंह का देहांत। ते हुण खबरां विस्थार नाल। केंद्र ने देश भर दीआं सूबा सरकारां ते केंद्र शासित प्रदेशों वल्लों कोविड-19 टीकाकरण लई मठी रफ्तार ते चिंता प्रगट करदिआं उन्हां नूं मुकम्मल टीकाकरण लई रफ्तार तेज़ कर लई आख्या। केंद्रीय सिहत सकत्तर राजेश भूषण ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं सूबिआं ते केंद्र शासित प्रदेशों के कौमी सेहत मिशन मैनेजिंग डायरैक्टरां ते सिहत सकत्तरां नाल कोविड टीकाकरण संबंधी स्थिति का जायजा लिया। इस मौके बोलदिआं केंद्रीय सिहत सकत्तर ने कोविड टीकाकरण नूं मिशन मोड विच सरगर्मी नाल अगे लिजाण ते जोर दित्ता ते साल दे जून जुलाई दौरान 2 महीने चलने वाली हर घर दस्तक मुहिम चलाने लिए आख्या। उन्होंने कहा कि इस मुहिम दौरान सारी योग वसों नू पहली दूजी ते एहतियाती खुराकां देने का टीचा मिथिया गया है ते इस नू घरों घरी मुहिम द्वारा ओल्ड एज होम स्कूलों ते कॉलेजां जेलों ते भट्ठियां ते काम करने वाले लोगों ते विशेष केंद्रित करके ये टीचा प्राप्त किया जाए। मुख चोण कमिश्नर ते चोण कमिश्नर ने स्वै इच्छा नाल उन्हां नूं मिलण वालियां सहूलतां ते भत्तियां विच कटौती करन दा फैसला कीता है। मुख चोण कमिश्नर राजीव कुमार दी प्रधानगी हेठ होई एक मीटिंग विच इह फैसला लिया गया। इस मीटिंग विच चोण कमिश्नर अनूप चंद्रा पांडे भी मौजूद सन। मीटिंग विच मुख चोण कमिश्नर ते चोण कमिश्नर नूं मिलण वाले भत्तियां ते विचार करन तों इलावा आमदन कर राहत वाले समुचरी भत्ते बारे भी विचार वटांदरा कीता गया। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 34,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਸਮੁੱਚਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਭੇਜ ਕੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ 3 LTC ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 1 ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जम्मू कश्मीर नूं केंद्र शासित प्रदेश बनाउण तों बाद पहलियां विधानसभा चोणां कराउण लई राह पद्धरा करदिआं केंद्र सरकार ने हदबंदी कमिशन दे हुकम तुरंत प्रभाव नाल लागू कर दित्ते ने। केंद्रीय कानून ते न्याय मंत्रालय वल्लों इस संबंध विच नोटिफिकेशन जारी कर दित्ता गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 दे तहत बनाए गए कमिशन दे आदेशां अनुसार केंद्र शासित प्रदेश विच हुण 90 विधानसभा हल्के होणगे, जिस विच 43 जम्मू डिवीजन अते कश्मीर विचले 47 विधानसभा हल्कियां च 9 अनुसूचित कबीलियां लई राखवे होणगे, जदकि 5 संसदी सीटां विच जम्मू श्रीनगर बारामूला अनंतनाग रजौरी ते उधमपुर शामिल ने। जस्टिस रिटायर्ड रंजन प्रकाश देसाई की अगवाई वाले हदबंदी कमिशन विच साबका मुख चोण कमिश्नर सुशील चंद्रा अते जम्मू कश्मीर दे चोण कमिश्नर के गुप्ता शामिल सन। भारत में पिछले माली साल दौरान हुए 83.57 बिलियन अमरीकी डालर के विदेशी व्यापार तो यह साबित होंदा है कि भारत एक निवेश मंजिल के तौर पर उभर के सामने आ रहा है। इस तो पहला साल 2020-21 FDI की आमद 81.97 बिलियन अमरीकी डालर से निर्माण खेत्र में विदेशी निवेश की आमदन साल 2020-21 के मुकाबले 2021-22 76% वधी है। व्यापार ते उद्योग मंत्रालय ने कहा कि उदारवादी ते पारदर्शी FDI की नीति ते होर चुके गए कदमों का सिट्टा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने माली साल 2021-22 लई सरकार नूं 30,307 करोड़ वाधू भुगतान देने दे प्रस्ताव नूं मंजूरी दे दित्ती है। यह फैसला RBI दे गवर्नर शक्तिकांत दास की अगवाई विच होई एक मीटिंग दौरान किया गया। इस दे नाल ही केंद्रीय बैंक का संकटकालीन जोखम बफर 5.50% ते बनाई रखने का फैसला किया गया। पिछले साल मई में RBI ने जुलाई 2020 तो मार्च 2021 तक के 9 महीनों लई 99,122 करोड़ रुपए का लाभ भुगतान करने संबंधी ऐलान किया सी। पंजाब दे लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कल विभाग दियां पंजाब सिविल सकत्तरेत 2 दियां 3 ब्रांचां दी अचनचे चैकिंग की। उन्होंने ब्रांचां दे कर्मचारियों ते अधिकारियों नाल कीती मीटिंग दौरान विभाग के कार्यों बारे जायजा लिया।
उन्होंने विभाग नाल संबंधित 11 तरस के आधार पर नौकरी मामले में जल्द नजिठण के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने सरकारी इमारतों की रिपेयर, कर्मचारियों के ACP बकाए, पेंशन आदि कामों की एक मुकम्मल रिपोर्ट हफ्ते अंदर पेश करने के हुक्म दिए। पंजाब के जल स्रोत माल मुड़ सेवा ते आफत प्रबंधन मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने बीते दिन जल स्रोत विभाग के 43 जूनियर इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इन्हां दी भर्ती निरोल मैरिट के आधार पर पारदर्शी ढंग नाल की गई है। माल पटवारी दी 1766 असामियां सेवा मुक्त पटवारियां ते कानून गुआं नाल भरन संबंधी पुछे सवाल ते कैबिनेट मंत्री ने स्पष्ट किया कि असामियां सिर्फ एक साल ठेके ते भरियां गईयां ने तां जो सूबे दे लोकां नूं निर्विघन सेवावां प्रदान कीतियां जा सकण, क्योंकि 1090 माल पटवारियां दी भर्ती अजे प्रक्रिया अधीन है। गुरदासपुर के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद इशफाक ने कहा कि झोने की सीधी बिजाई करने वाले अगांहवधू किसानों 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कल कानूवान ब्लाक के पिंड कोट बुढ़ा विखे किसानों को झोने की सीधी बिजाई करने की शुरुआत करवाई। झोने की सीधी बिजाई की शुरुआत तो बाद पिंड वासियों को संबोधन करदिया डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि वह 3 मुख्य मुद्दों झोने की सीधी बिजाई कर मूंगी की काश्त और नशियां को खत्म करने बारे जागरूक कर लई आए ने। पंजाब के 10 मैरीटोरियल स्कूलों में 9वीं 11वीं ते 12वीं जमातों में 2022-23 सैशन के दाखलों की मुकाबला परीक्षा 29 मई को करवाई जाएगी। मोहाली में जानकारी देंदे मैरीटोरियल सोसायटी के डायरैक्टर डॉक्टर मनिंदर सिंह सरकारिया ने दसिया कि परीक्षा करवाने के प्रबंध पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड वालों किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिहड़े विद्यार्थियों ने दाखला परीक्षा लिए अपलाई किया है वह अपने रोल नंबर और दाखला कार्ड संबंधी जानकारी लिए सिक्ख्या विभाग पंजाब की वैबसाइट लगातार देखते रहन। कोविड महामारी नाल निजिठण लई केंद्र वल्लों शुरू की गई देशव्यापी टीकाकरण मुहिम ने 192.12 करोड़ तो वध टीका खुराक देने का अंकड़ा पार कर लिया है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय वल्लों जारी ताज़ा अंकड़ों अनुसार बीते दिन 13,41,000 तो वध कोविड टीके लगाए गए। हुण देश विच 14,996 करोना के एक्टिव मामले ने। पिछले 24 घंटे दौरान 2,346 करोना मरीज़ सेहतयाब होए ने, जिस मगरों सेहतयाब दर 98.75% हो गई है। इस समय दौरान 2,323 नवे करोना मामले दर्ज किए गए। बीते दिन 4,99,382 करोना टैसट किए गए, जिस मगरों कुल करोना टैसटों की गिनती 84.63 करोड़ हो गई है। श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी के मैंबर और सीनियर मीत प्रधान से सबका मंत्री जथेदार तोता सिंह का अज तड़के देहांत हो गया। वह पिछले काफ़ी लंबे समय तो बीमार चले आ रहे सन। उन्होंने अपने आखिरी साह मोहाली के एक प्राइवेट हस्पताल च लए। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने उन्होंने देहांत कारण पार्टी को ना पूरा होने वाला घाटा दसद्या परिवार नाल दुख सांझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सोने का तमगा जितने ते निखेत जरीन नूं वधाई दिती है। मोदी ने इस मुकाबले में मनीषा मोहन ते प्रवीण हुड्डा नूं कांस्य दे तमगे जितने लई वधाई दिती। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन्हां मुक्केबाजां ने देश नूं गौरवमई बनाया है। जिक्रयोग है कि भारतीय मुक्केबाज निखेत जरीन ने बीते दिन इस्तांबुल में 5-0 नाल जित प्राप्त करके सोने का तमगा अपने नाम किया सी। उन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में थाईलैंड की जितपोंग जोटामास 30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 29-28 के सैटा में हराया सी। भारत की चोटी की खिडारन PV सिंधु जापान की अपनी विरोधी अकाने यामागुची 3 सैटा के सख्त मुकाबले में 21-15, 20-22, 21-13 हरा के थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट के सैमीफाइनल में दाखिल हो गई है। सिंधु ने यामागुची तो यह मुकाबला 51 मिनट में जितया। सिंधु का सैमीफाइनल में चीन की चेन यू फेई नाल मुकाबला होगा। पंजाब अज सवेरे किते-किते छिट्टे पैण कारण गर्मी तो कुछ राहत मिली है। ज़्यादातर इलाकों में गर्मी पहलों की तरह जारी है। भारतीय मौसम विभाग अनुसार अगले 2 दिनों में पंजाब के माझा, दुआबा ते मालवा के कई इलाकों ते चंडीगढ़ में तेज़ हवावां चलन, बिजली चमकण के नाल नाल हल्की बारिश ते गड़े पैण की संभावना है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी देख सकते हैं। बुलेटिन के अखीर में चुनावी खबरें एक बार फिर तो। केंद्र सरकार ने सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों नूं जून जुलाई दौरान मुकम्मल कोरोना टीकाकरण लई हर घर दस्तक मुहिम चलाउण लई आख्या। मुख्य चोण कमिश्नर ते चोण कमिश्नर ने स्वै इच्छा नाल उन्हां नूं मिलण वालियां सहूलतां ते भत्तियां विच कटौती करन दा कीता फैसला। जम्मू कश्मीर विच हदबंदी कमिशन तुरंत प्रभाव नाल लागू, नोटिफिकेशन जारी।
पंजाब के 10 मेरिटोरियल स्कूलों में 9वीं 11वीं ते 12वीं जमातों में साल 2022-23 सैशन के दाखिले लिए मुकाबला प्रीख्या 29 मई को श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी के मैंबर ते सीनियर मीत प्रधान जथेदार तोता सिंह का देहांत। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रहा, तुसी भी बाहर जाने वेले मास्क लगा के जाओ। नमस्कार।